आपके बोर्ड पर आपके डिस्प्ले पर है वह तत्व जिसमें यौगिक बनाने का एक बृहद गुण है। मतलब आज का जो टॉपिक इसका नाम ही है कार्बन, और कार्बन से जुड़ा हुआ ये पूरा टॉपिक है। कार्बन की बात करते हैं, ये पूरी एनसीईआरटी है। हमने आपसे पहले ही बताया हम लोग एनसीईआरटी की जो साइंस है इसे ही डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि यह परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी अहम है आप सभी के लिए। जी हाँ, अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो आप लोगों ने कार्बन में, नाइट्रोजन में, हाइड्रोजन में, तो जो पहला टॉपिक है उस प्रश्न का वही उत्तर होगा। मतलब इस प्रश्न की अगर हम उत्तर की बात करें तब इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा वो होगा आपका, मतलब यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, कार्बन। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर एक कार्बन बताया तो आपका जवाब पूरी तरह से सही है। हम बढ़ते हैं फिर से इसके नए सवाल, नए प्रश्न की तरफ। अगला है आपके सामने, कार्बन की सहजकता है 1, 2, 3, 4। जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी साथी इसका जवाब जरूर देंगे, जो कार्बन है उसकी संयुक्तता क्या है। सभी साथी जवाब देंगे, चाहे वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं, चाहे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं, कहीं भी देख रहे हैं आप जवाब जरूर दीजिएगा। सभी लोग का जवाब आना चाहिए, मैंने आपसे बार बार कहा, कई बार आपको इस बात के बारे में बताया कि अगर आप सेशन में बने हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप जवाब। हाँ, इस प्रश्न की बात करें, सभी लोग फटाफट वीडियो को शेयर भी कर दें। जी हाँ, एकदम आपने सही जवाब दिया है, डी, मतलब 4। जितने भी लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर डी दिया उन सबके जवाब पूरी तरह से सही। हम बढ़ते हैं फिर से नए सवाल की तरफ। अगला है, कार्बन समूह के अन्य दो तत्वों के नाम क्या है। सभी लोग जवाब देंगे जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। सिलिकॉन तथा जर्मेनियम, सिलिकॉन तथा हाइड्रोजन, जर्मेनियम तथा हाइड्रोजन, तो जितने भी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी फटाफट अंदाज में इस प्रश्न का जवाब देंगे, और फटाफट अंदाज में इस प्रश्न के सेशन को भी आप लोग जरूर बताएंगे। तो बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। हम चाहते हैं कि आप लोग इस सेशन के साथ बने रहें और इस सेशन में आप अपना बेहतर भी देते रहें। तो बताइए फटाफट कमेंट करके, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जी हाँ, अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर होगा सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। मतलब अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर ए बताया है तो आपके उत्तर पूरी तरह से सही है। थोड़ा सा फटाफट हम लोग थोड़ा सा तेजी से पढ़ेंगे, अभी क्या है कि प्रश्न शेयर करें इसलिए थोड़ा सा आपको लग रहा था कि हाँ यार लेट हो रहा है। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो आपके सामने आ रहा है। अगला है, हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोकार्बन वे यौगिक हैं जिनमें क्या है, कमेंट करके बताइएगा। जी हाँ, यहाँ पर हम बात करें हाइड्रोकार्बन वे यौगिक हैं जिनमें क्या है, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के ऑक्सीजन अवश्य होते हैं। हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन अवश्य होते हैं, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन अवश्य होते हैं। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इसमें से कोई नहीं। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर डी बताया है ना, तो आपके जवाब यहाँ पर पूरी तरह से सही है। मतलब अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर डी बताया है तो आपके जवाब पूरी तरह से क्या है, सही। मतलब आप लोगों ने एकदम सही जवाब बताया है। हम इसी के साथ इस प्रश्न के साथ और आगे बढ़ते हैं, और आप देखते हैं कि अब कितना आपका प्रश्न का यहाँ पर जवाब सही होता है। आगे अगर मैं बढ़ूँ अगले प्रश्न की तरफ, जी इसमें से कोई नहीं है हाइड्रोकार्बन वे जिनमें, आप कमेंट करके बताइए इसमें क्या उत्तर होगा। ठीक है, हम अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं जो आपके सामने अगला है, हाइड्रोकार्बन का सरल रूप है मेथेन का, इथेन का, प्रोपेन का या ब्यूटेन का। तो जितने भी साथी मित्र हमारे साथ सेशन को पढ़ रहे हैं, जितने भी हमारे साथ इस मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं, वे लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करके जवाब जरूर देंगे। हाइड्रोकार्बन का सरल रूप है मेथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। एक सवाल यहाँ पे आता है कि ब्यूटेन और प्रोपेन क्या और किस लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो जितने भी साथी मित्र हमारे साथ बने हैं, हमारे साथ वीडियो को देख रहे हैं, वे जरूर कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करके बताएंगे। सभी लोग चार्ज वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं, चार्ज वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं, कहीं भी देख रहे हैं आप जवाब जरूर दीजिएगा। सभी साथी मित्र, जी हाँ एकदम सही आप लोगों ने जवाब दिया है, यहाँ पर मेथेन होगा। मेथेन को मार्स गैस कहते हैं, इसे हम CH4 के नाम से जानते हैं। कार्बन का परमाणु भार कितना है, सभी लोग जवाब दीजिएगा कि कार्बन का परमाणु भार कितना, क्योंकि बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है, 24, 12, 14, 16। तो सभी लोग फटाफट अंदाज में जवाब देंगे, जितने भी साथी मित्र हमारे साथ इस सेशन को पढ़ रहे हैं, जितने भी लोग हमारे साथ इस सेशन में देख रहे हैं, सभी का जवाब आना चाहिए। क्योंकि देखिए जब भी मैं बात करता हूँ आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं, तो आपका जवाब फैक्ट होना चाहिए, प्रश्नों के साथ साथ होना चाहिए। क्योंकि जब तक आप प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाएंगे, कितना भी मेहनत करें गलत होगा, यही होगा ना। लेकिन जब परीक्षा हाल के अंदर जाएंगे, वहां आपके सिवाय आपका कौन होगा, तो उस समय तो आपको जवाब देने पड़ेंगे। इसलिए ये मानकर बैठिए कि आप परीक्षा हाल के अंदर हैं और हमारे साथ परीक्षा हाल में बैठकर अपनी तैयारी कर रहे हैं, तब जाकर आप प्रश्नों का जवाब अच्छे तरीके से दे पाएंगे। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर होगा 12। मतलब जितने लोगों ने बताया कार्बन का जो कार्बन का परमाणु भार है वो 12 है, उन सबके जवाब पूरी तरह से सही हैं। और हम इसी प्रश्नों के साथ आगे बढ़ते हैं और कदम दर कदम आपके साथ मिलकर आगे बढ़ते रहेंगे। हम बढ़ते हैं आपके साथ अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है, हाइड्रोकार्बन का एक प्राकृतिक स्रोत है, पौधों में, जंगल में, पेट्रोलियम में, इसमें से कोई नहीं। तो जितने भी साथी मित्र प्रश्न को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, वे अपना जवाब
जरूर देंगे। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके, जितने भी लोग हमारे साथ इस वीडियो को देख रहे हैं। एकदम सही आप लोगों ने बताया पेट्रोलियम, एकदम सही आपका जवाब है सी। अगर आपने भी प्रश्न का उत्तर सी पेट्रोलियम बताया है तो आपके जवाब सही है। ये पूरी तरह से एनसीईआरटी और हम एनसीईआरटी को ही फोकस कर रहे हैं और एनसीईआरटी पर ही हम लोग बात कर रहे हैं। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। कार्बन का अपरूप है हीरा, ग्रेफाइट, काजल, ऑल ऑफ दीज। प्रश्न नंबर 8 का जवाब उन सभी साथियों को देना जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो लोग इस वीडियो को हमारे साथ लाइव सेशन में बने हैं। फटाफट अंदाज में कमेंट करिएगा सभी लोग, इस वीडियो को शेयर करिएगा। निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए देश हित में राष्ट्रहित में है। ये वीडियो फेसबुक पर यूट्यूब पर आपके लिए लाइव चल रहा है तो बहुत ही सही आप लोगों ने जवाब दिया है। हीरा कार्बन का प्रूफ होता है, ग्रेफाइट भी होता है, काजल भी होता है। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। मतलब अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर डी बताया है तो आपके जवाब पूरी तरह से सही। मतलब जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर डी बताया है उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही है। हम बढ़ रहे हैं इसी के साथ नए सवाल की तरफ। किसी के मन में कोई प्रश्न हो, किसी के मन में कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। आगे बढ़े अगला है, कार्बन का प्रतीक है। अभी किसी का प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए जितने भी लोग इस वीडियो को देख। कार्बन का प्रतीक है, जवाब दीजिएगा। अगला है, कौन सा कार्बन का एक अक्रिस्टलीय रूप है? तो 10 का जवाब जरूर दीजिएगा, हीरा, ग्रेफाइट, कोक। 9 तो सब लोग जवाब देंगे, कार्बन है क्या होता है? सी। अच्छा मेरा सवाल आपसे C14 दिख रहा होगा क्या है, तो जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में जाएंगे, कमेंट करके बताएंगे। डेली क्लास के लिए आप लोग टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके, ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर जरूर जुड़िएगा। सभी लोग जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, क्लास के लिंक के साथ साथ आपको सभी क्लास की निःशुल्क वीडियो भी आपको मिलती रहेगी। तो आप लोग जवाब दीजिए फटाफट, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? कोक। यहां पर सी होगा, यहां पर ए होगा। मतलब कौन से कार्बन का ऑक्सीस्टली रूप है? तो कोक होगा। क्लियर होगा कॉन्सेप्ट? किसी के मन में कोई प्रश्न तो नहीं आ रहा, कोई डाउट तो नहीं आ रहा है ना? एक कार्बन का ऑक्सीस्टली रूप है कोक और कार्बन का प्रतीक सी। मेरा सवाल C14 क्या है, C14 क्या है? तो जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं वे कमेंट करें बताएं C14 क्या है। अगला, लिग्निन के एक कार्बन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है, एंथ्रासाइट में, लिग्नाइट में, बिटुमिनस में, उपयुक्त में, सभी। कोयले के चार प्रकार होते हैं, कोयले के चार प्रकार होते हैं, उन चारों प्रकार के नाम आपको बताने हैं। सभी को जितने भी लोग हमारे साथ पढ़ रहे हैं, कोयले के चारों प्रकार के नाम आपको बताने हैं। एंथ्रासाइट है, इग्नाइट है, बिटुमिनस है, और एक कौन सा कोयला प्रकार है, चौथा प्रकार इसमें नहीं है। तो सबसे अच्छी किस्म का कोयला कौन सा होता है? कमेंट करके जवाब दीजिएगा, सबसे अच्छी किस्म का कोयला कौन सा होता है? ये हम लोग भूगोल में भी पढ़ते हैं, ये हम लोग साइंस में भी पढ़ते हैं। तो यहां पर प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा एंथ्रासाइट। सबसे अच्छी किस्म का कोयला होता है, सबसे अच्छी किस्म का कोयला होता है ठीक है। सभी लोग इसकी स्क्रीनशॉट याद कर ले, बाकी आपकी मर्जी ठीक है। इसके अलावा एक कोयले का प्रकार और है, वो कमेंट करके जवाब दीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए। सबको समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किस एक का उपयोग पेंसिल की लेड बनाने में होता है? कोक का, ग्रेफाइट का, काजल का, इसमें से कोई नहीं। तो अब आप लोगों को पता चल गया कि सर का इसमें से कोई नहीं, यहां पे होगा ही नहीं, अब काजल भी नहीं होगा, कोक और ग्रेफाइट में क्या होगा? जवाब सभी लोग दीजिएगा। कार्बन डेटिंग सही जवाब है, C14 का जवाब। लेकिन यहां पर आपके सामने है प्रश्न, कह रहा है कि पेंसिल की लेड का उपयोग होता है। जवाब दीजिए, चाहे फेसबुक पे, चाहे यूट्यूब पर, जहां भी देख रहे हैं, ग्रेफाइट इस प्रश्न का सही जवाब होगा। मतलब अगर आपने सवाल का उत्तर बी बताया तो आपके जवाब पूरी तरह से सही। हम बढ़ते हैं फिर से नए सवाल की तरफ। अगला सवाल है, कौन सा विद्युत का सुचालक है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सभी के लिए, कौन सा विद्युत का एक सुचालक है? ये एनसीईआरटी और एनसीईआरटी में आपने पढ़ा होगा, कक्षा 8 के साइंस में, ये एनसीईआरटी की साइंस है, पूरी एनसीईआरटी की साइंस आपके सामने है। जवाब दीजिए सभी लोग, आपने पढ़ा होगा, चित्र भी बना है, याद करिए आप लोग। ग्रेफाइट एकदम सही जवाब है। हीरा में अधिक चमक का कारण क्या है? हीरा में अधिक चमक का कारण क्या है? इसका क्रिस्टलीय रूप, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अत्यधिक कठोर। बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल आपके लिए परीक्षा में, यह भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, कई बार यहां से पूछा गया है। और हम चाहते हैं जो सवाल आपके परीक्षा उपयोगी हो, जहां से परीक्षा में सवाल झोला भर भर के आए, ऐसे प्रश्नों पर आपको फोकस बना के रखना होगा।
ऐसे प्रश्नों को अपने पास स्क्रीनशॉट के तौर पर रखना होगा। इसकी पीडीएफ आपको क्लास खत्म होने के बाद टेलीग्राम पर मिल जाएगी। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसका सही जवाब है, एकदम रट लीजिए। मैंने यह प्रश्न बहुत बार, मतलब अगर जब भी कार्बन की बात आती है यहां से सवाल जरूर पूछा जाता है, और जब हीरे की बात आती है तो रट लीजिए ऐसे प्रश्नों को। हम इसी के साथ और आगे चलते हैं। कोई दिक्कत, किसी कोई सवाल, कोई प्रश्न कमेंट करके पूछ सकता है। क्या आपने वीडियो को शेयर कर दिया तो थैंक यू। अगला है, मार्स गैस कहलाती है। मैंने अभी आज ही पढ़ाया सेशन में कि मार्स गैस कहलाती है। किसे कहते हैं? CH4। धानी खेत से निकलती है, पशु जब जुगाली करते हैं, सड़े गले पदार्थों से निकलती है, पुराने कुएं से निकलती है, उसे मैथेन कहते हैं। ये ब्यूटेन और प्रोपेन क्या होता है, इसका इस्तेमाल कहां होता है, कमेंट कर जवाब दीजिएगा। एल्केनों का सामान्य सूत्र क्या है, सभी लोग जवाब दीजिएगा। एल्केनों का समान सूत्र क्या है, सभी लोग जवाब दीजिएगा फटाफट। एल्केनों का सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n+2। यहां पर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ये ई-लर्निंग विद दुर्गेश की नोट्स में आपको मिल जाएगा। सारा जो ना भी टॉपिक आप लोग पढ़ रहे हैं सब आपको ई-लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स में आसानी से मिल जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यौगिक जिसमें हाइड्रोजन तथा कार्बन होते हैं, यौगिक जिसमें हाइड्रोजन तथा कार्बन होते हैं कहलाते हैं। अकार्बनिक यौगिक, हाइड्रोकार्बन, ए और बी दोनों, इसमें से कोई नहीं। यौगिक जिसमें हाइड्रोजन तथा कार्बन होते हैं उन्हें कहते हैं, क्या कहलाते हैं, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। चाहे YouTube पे देख रहे हैं चाहे Facebook पे जवाब जरूर दीजिएगा। इस समझिए परीक्षा के अंदर बैठे हैं आप। यहां पर प्रश्न का उत्तर होगा हाइड्रोकार्बन, एकदम सही जवाब है हाइड्रोकार्बन। अगला है आपके सामने, कांच को काटने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए। कांच को काटने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, डायमंड का, ग्रेफाइट का, लोहा का, तांबा का, किसका करते हैं, कमेंट कर जवाब दीजिएगा। जितने भी लोग इस वीडियो को हमारे साथ सेशन में बैठ रहे हैं देख रहे हैं वे जवाब जरूर देंगे, एकदम सरल जवाब है डायमंड का, हीरे का, ठीक है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ए। तो क्या सबको समझ में आ रहा है, किसी को दिक्कत तो नहीं है ना, हो तो पूछ सकते हैं। अगला है, अच्छा यहां पे देखिए नोट संबंधी जानकारी जो भी चाहिए आप ले सकते हैं, सभी नोट्स SSC की, BO की, PCS की, UP PET की है, TET की है, CTET, पुलिस, RO, लोअर PCS, TGT, PGT, सुपर TET सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे। अगला है, हीरे का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन है, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, भारत, चीन, सभी लोग जवाब दीजिएगा जितने भी लोग इस सेशन को पढ़ रहे हैं जितने भी लोग इस सेशन को देख रहे हैं। हीरे का सर्वाधिक उत्पादक देश है, सही जवाब है आपका अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, बी वाले जवाब पूरी तरह से आप सही है। अगला सवाल है, हीरे का अपरतांक होता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और मैं चाहूंगा इस प्रश्न का जवाब सभी साथी देंगे, जितने भी साथी मित्र हमारे साथ इस सेशन में बने हैं, जितने भी साथी मित्र हमारे साथ इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में जाएंगे, कमेंट करके जवाब जरूर देंगे, बताइए फटाफट कमेंट करके। हीरे का प्रतांक क्या होता है, 2.5। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ए। अगर आपने सवाल का उत्तर ए बताया है तो आपका जवाब पूरी तरह से सही है। हम इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगले सवाल की तरफ। आप लोग चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट अपने पास रख लो, कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना, सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना, ठीक। अगला है, हीरे का गलनांक क्या है, इंपॉर्टेंट है। हीरे का गलनांक क्या है, 2200 डिग्री सेल्सियस, 1800 डिग्री सेल्सियस, 2673 डिग्री सेल्सियस, 3500 डिग्री सेल्सियस। जो प्रश्न आपको नए मिले उसे लिख लिया करिए या उसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसकी पीडीएफ आप क्लास खत्म होने के बाद ले लीजिएगा। हीरे का गलनांक है तो 3500 डिग्री सेल्सियस है, 3500 डिग्री सेल्सियस, डी इसका सही जवाब है। अगला आपके सामने, हीरे में कार्बन परमाणु की संरचना है, त्रिफलकी है, षष्ठफलकी है, अष्टफलकी है, क्या
प्रश्न नंबर 22 का जवाब आप सभी लोग जरूर दीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप इस सेशन को पढ़ रहे हैं, तो जवाब आपका जरूर आना चाहिए। बताइए चलो फटाफट कमेंट करके। हीरे में कार्बन परमाणु की संरचना है, त्रिफलकीय, मतलब आप अगर प्रश्न को डे बाय डे पढ़ेंगे ना, तो आपको एकदम पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक, आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। किसी के मन में कोई सवाल, कोई डाउट? कोई नहीं है ना, प्रतिदिन इसी टाइम क्लास में जुड़ा करिए टाइम से एकदम। एलपीजी का पूरा नाम क्या है, ये बहुत बार पूछा है आपसे। मेरा सवाल है सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है, ये मेरा आपसे सवाल है। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है, एलईडी का फुल फॉर्म क्या है, आपको जवाब देना है। सीएनजी का हो गया, एलईडी का हो गया, ये आपको फुल फॉर्म इसका जवाब देना होगा। ये पूछा जाता है आपसे परीक्षाओं में, और हम उन्हीं प्रश्नों को लेकर आते हैं जो आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। जवाब दीजिए सभी लोग। एलपीजी का फुल फॉर्म होगा लिक्विड पेट्रोलियम गैस, मतलब आप प्रश्न देखकर ही पता, लो प्रेशर गैस नहीं होगा, लाइट पेट्रोलियम गैस होगा, लाइट प्रेशर गैस होगा नहीं। आप इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, बी। अगर आपने सवाल का उत्तर बी बताया है तो आपका जवाब पूरी तरह से सही है, पूरी तरह से आपके जवाब फैक्ट है। हम इसी के साथ बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगले क्लास की तरफ। कोई डाउट नहीं ना किसी को? अगला है सीएनजी का पूरा नाम क्या, अभी जस्ट मैंने आपसे पूछा, अगला प्रश्न आपके सामने आ गया, सीएनजी का पूरा फुल फॉर्म क्या है। देखिए कमेंट भी आ रहा है और सभी लोगों ने कमेंट भी किया था कि सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है, सभी लोग जवाब दीजिएगा। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंट्रोल्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नियान गैस, कार्बन नेचुरल गैस। तो मैं चाहूंगा इसका जवाब सभी लोग दीजिएगा। काफी लोगों ने जवाब भी दे दिया है, फेसबुक पर भी लोगों ने कमेंट किया, जवाब दिया है, यूट्यूब पर जो देख रहे हैं वो लोगों भी जवाब दिया है। यहां पर क्या होगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मतलब इस सवाल का उत्तर यहां पर ए। आयतन के आधार पर वायुमंडल में कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में प्राप्त होता है 0.03%, 0.03%, 0.003%। तो यहां पर इस प्रश्न में काफी कंफ्यूजन है, कहीं कहीं आपको यह भी मिल जाता है, लेकिन इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर जो होगा वो आपका बी। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि आपको कहीं कंफ्यूजन रह जाए, कहीं ऐसा रह जाए कि आप परीक्षा में जाएं और आप स्कोर ना कर पाएं। मेरा उद्देश्य रहता है हमेशा परीक्षा में जाएं और बड़ा और बेहतर स्कोर करके। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं जो आपके सामने है। कार्बन परमाणु परिवर्तित होते हैं, ये टॉपिक बाय टॉपिक आपके लिए हम ला रहे हैं और ये पूरा एनसीईआरटी का सेशन है। और आप लोग अगर वीडियो को शेयर करेंगे तो इसी सेशन के साथ हम अन्य विषयों की भी एनसीईआरटी आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन कब, जब आप थोड़ी सी मदद करेंगे, लोगों तक वीडियो को पहुंचाएंगे, लोगों तक वीडियो को शेयर करेंगे, तब तो हम भी आपके लिए मेहनत करेंगे। लेकिन आप हैं साथ ही नहीं दे रहे हैं। कार्बन परमाणु परिवर्तित होते हैं, जीवित से अजीवित के रूप में सही है, अजीवित से जीवित के रूप में यह भी सही है। मतलब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ए और बी दोनों सही है, इसका मतलब आपका उत्तर सी सही है। हम बढ़ रहे हैं फिर से नए प्रश्न की तरफ, हम बढ़ रहे हैं नए सवाल की तरफ। अगला है कौन सा एक कार्बन चक्र का भाग नहीं है, कौन सा एक कार्बन चक्र का भाग नहीं है, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, श्वांगीकरण, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 27 इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न का जवाब आप थोड़े से प्रेजेंट ऑफ माइंड का प्रयोग करके दे सकते हैं, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए और इस प्रश्न का जवाब आप दे लेंगे। तो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा श्वसन भी है कार्बन चक्र का भाग, प्रकाश संश्लेषण भी है कार्बन चक्र का हिस्सा, श्वांगीकरण भी है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, आलाप भी। जब दो सही हो गए तीसरा अपने आप सही है, हो सकता है तीसरे का आपके बारे में ना पता हो। जब दो सही है और आलाप बीज दिया है तो इसका मतलब आलाप बीज की तरफ जाएंगे। कोई डाउट रह गया हो तो पूछ सकते हैं, नहीं डाउट रहा तो आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन है कार्बन का क्रिस्टली रूप है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं चाहूंगा इस प्रश्न का जवाब आप लोग जरूर दें। देखिए नोट संबंधित अगर जानकारी चाहिए इस पर व्हाट्सएप करिए। यह साइंस की सीरीज खत्म होने के बाद आप कौन सी सीरीज चाहेंगे पढ़ना एनसीईआरटी की, कमेंट करके भी जवाब दीजिएगा और अपने सभी मित्रों को क्लास की टाइमिंग बता के रखें। काजल, चारकोल, कोक, ग्रेफाइट। अब यहां पे इस प्रश्न का उत्तर होगा ग्रेफाइट। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर डी बताया है, ग्रेफाइट बताया है, तो आपके जवाब पूरी तरह से सही है। हम बढ़ते हैं फिर से एक नए सवाल की तरफ, हम बढ़ते हैं एक नए प्रश्न की तरफ। चाहते हैं कि आप डेली क्लास में टाइम से टाइम तक बने रहे, लेकिन कब, जब आप भी हमारा साथ देंगे तब। क्लियर हुआ 28 का डी? किसी कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई प्रश्न नहीं है ना? अगला है अब भारत में
हीरा कहां नहीं पाया जाता, ध्यान से प्रश्न को पढ़िए, कहां नहीं पाया जाता। अगर आपने इस प्रश्न को नहीं पढ़ा तो आप गलती कर रहे हैं। देखिए, अब प्रश्न पढ़ने में भी उतनी चतुराई होनी चाहिए जितनी मेहनत से आप पढ़ते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं ना कि मेरी क्लास किस लिए महत्वपूर्ण है। आपको अब प्रश्न का ट्रेंड जो चल रहा है ना, उसी ट्रेंड में हमें चलना। जैसे मध्य प्रदेश में हीरे पन्ना खानों मिलता है, आंध्र प्रदेश के वजकरूरू में मिलता है, लेकिन कर्नाटक के गोलकुंडा में अब नहीं मिलता। तो अब इस प्रश्न का जो उत्तर पूछा है वो आपका यहाँ पर सी होगा। अब यहाँ पर प्रश्न का उत्तर जो होगा वो आपका सी होगा। ये दोनों विकल्प आपके गलत है। यहाँ पर उत्तर क्या होगा? सी होगा। अब यहाँ पर दिमाग लगाएंगे आप, प्रेजेंट ऑफ माइंड का प्रयोग करेंगे, तभी ऐसे प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे, अन्यथा नहीं दे पाएंगे आप। अगर आपको समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़े। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो, नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा तो हम इसको और अच्छे से दोबारा तिबारा आपको बताने का प्रयास करेंगे, तब तक जब तक कि आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए। ठीक, आगे बढ़े हम, कोई डाउट नहीं है किसी का। अगला है, हीरे का वजन कैरेट में व्यक्त किया जाता, एक कैरेट बराबर होता। मेरा सवाल आपसे है, 18 कैरेट कितना परसेंट होता है? सभी लोग बताइएगा। 24 कैरेट होता है ना। देखिए कई, देखिए ये हम लोग कैरेट पढ़ते हैं और कई यहां पे देखिए कैरेट भी दिया है। 24 कैरेट बराबर होता है कितने परसेंटेज? 24 कैरेट का होता है ये 100%, ये होता है 75%। अगर हम बात करें हीरे का वजन कैरेट में व्यक्त किया जाता है 200 मिलीग्राम, अगर आपने सवाल का उत्तर बी बताया है तो आपके जवाब सही। फुलरीन एक अप्रूव है, ऑक्सीजन का, सल्फर का, नाइट्रोजन का, कार्बन का, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके जो लोग सेशन को देख रहे हैं। फुलरीन एक अपरूप है तो यहां पर होगा डी, कार्बन का। मतलब अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर डी बताया है तो आपका जवाब सही है। फुलरीन एक अपरूप है कार्बन का, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? आपका डी सही है। हम बढ़ते हैं फिर से नए सवाल की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं आपके साथ, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगला है, देखिए यहां पर नोट समझे, अगर कोई जानकारी चाहिए इस पर आप व्हाट्सएप करके सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट, SSC, RRB, लेखपाल, पेट, पुलिस, UPSI, MP-TET, SSB, रीट, KVS, TGT, PGT, अन्य राज्यों के भी स्टेट, तो जो भी आपको जरूरत पड़े आप इलर्निंग विद दुर्गेश के नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अगला है फुलरीन कार्बन का, फुलरीन कार्बन का अपरूप है, इसके अणु में कार्बन के परमाणु की संख्या संभवतः हो सकती है 60 भी हो सकती है, 70 भी हो सकती है, 90 भी हो सकती है, और अब दीज। क्या प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 60 भी सही है, 70 भी सही है, 90 भी सही है, मतलब आला। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर डी दिया है तब के जवाब से। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चीनी के निर्माण में सफेद क्रिस्टल उत्पादित करने के लिए किसका विस्तृत रूप प्रयोग किया जाता है? आंतो चारकोल का, कास्ट चारकोल का, सुगर चारकोल का, इनमें से कोई नहीं। आप सब लोग जवाब दीजिएगा, जितने भी साथी मित्र इस प्रश्न को पढ़ रहे हैं, जितने भी साथी मित्र इस प्रश्न का जवाब दे रहे हैं वे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। चीनी के निर्माण में सफेद क्रिस्टल उत्पादित करने के लिए किसका विस्तृत रूप प्रयोग किया जाता है? एकदम सही आपने जवाब दिया, सुगर के चारकोल का। मतलब इस प्रश्न का उत्तर आपका सी है। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर सी जवाब दिया है तो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं। सभी के लिए महत्वपूर्ण कह रहा है कि कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर विषाक्त ऊष्मा उत्पादित करता है, इस प्रकार अभिक्रिया क्या कहलाती है? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है, ए और बी दो, इनमें से कोई नहीं। तो सभी साथी मित्र इस प्रश्न का जवाब देंगे, सभी साथी मित्र इस प्रश्न का उत्तर देंगे।